हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम आपके लिए लेके आए हैं एक और नए प्रोजेक्ट का अपडेट। टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र के वन ऑफ द मोस्ट फेमस और अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका नाम है अंभोरा ब्रिज। जी हाँ दोस्तों, ये है अंभोरा ब्रिज जो कि मेनली कनेक्ट करता है नागपुर को भंडारा से। अंभोरा ब्रिज का दोस्तों वैसे तो टूरिस्ट अट्रैक्शन मिलने ही वाला है, साथ ही ये कुही और उमरेर तहसील को भी जोड़ता है सकोली और लंकादूर तहसील से। ये ब्रिज है दोस्तों लगभग 705 मीटर लंबा और ये नागपुर के वन ऑफ द मोस्ट फेमस रामचूरा से, जो कि 200 मीटर के सिंगल स्पैन के साथ ब्रिज बना हुआ है, उससे लगभग 3.5 गुना ज्यादा लंबा है। पहले गवर्नमेंट और कंस्ट्रक्शन एजेंसी का दोस्तों प्लान था कि इसे 65 मीटर के स्पैन के साथ कंस्ट्रक्ट किया जाए और सेंटर में 140 मीटर का स्पैन लगाया जाए, बट लेटर ऑन 140 मीटर के 5 स्पैन के साथ बनाने का प्लान बन गया। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, 140 मीटर के सभी 5 स्पैन ब्रिज में लग चुके हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात करें दोस्तों, तो इस ब्रिज को बनाने का जो पूरा खर्च है वो लगभग 176 करोड़ का होने वाला है। इस ब्रिज का दोस्तों कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 2019 में और एस्टिमेटेड था कि ये लगभग 2 साल में बनकर रेडी हो जाएगा और इसे बहुत ही जल्दी इनॉग्रेट भी किया जाएगा। बट जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड-19 पेंडेमिक और हैवी रेन्स की वजह से इसका काम हो गया डिले। और अभी जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि सितंबर 2022 तक ये पूरी तरीके से बन के रेडी नहीं हो पाया है, बट हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 3-4 महीनों में ये बन के रेडी हो जाएगा और बहुत ही जल्द इसका इनॉग्रेशन भी किया जाएगा। सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो इस ब्रिज को बाकी सभी ब्रिजेस से अलग करता है दोस्तों, वो है इसमें बनने वाली स्काई गैलरी, जिसका काम अभी चल रहा है। और ये देश में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड गैलरी होगी जो कि किसी ब्रिज के ऊपर स्काई गैलरी बनाई जा रही होगी। इसमें बनने वाले स्काई गैलरी के दोस्तों हाइट है लगभग 40 मीटर और ऊपर जाने के लिए आपको लिफ्ट की फैसिलिटी भी दी जाएगी, एज वेल एज स्टेयर्स भी अवेलेबल होंगे, सो दैट इन केस कभी अगर लिफ्ट खराब हो जाए या इसमें किसी भी तरह का कोई मेंटेनेंस काम हो तो आप स्टेयर्स का भी यूज कर पाएंगे। साथ में दोस्तों ब्रिज में जितने भी केबल्स लगे होंगे सभी केबल्स में लाइटिंग की फैसिलिटी भी इंस्टॉल की जाएगी, ताकि रात में जब भी आप इस ब्रिज के आसपास घूमने आएंगे या फिर अगर आप नाइट में इस ब्रिज को देखेंगे तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत नजारा आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों इस ब्रिज में स्ट्रेस मॉनिटरिंग सिस्टम भी इंस्टॉल किया जा रहा है, जिससे कि केबल्स पे पड़ने वाले स्ट्रेस को मॉनिटर किया जाएगा और किसी भी तरीके का कोई एक्सीडेंट होने से पहले ही उसे सॉल्व कर लिया जाएगा। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी बेहतर है। इसके अलावा एक और चीज है दोस्तों जो शायद आपको नहीं पता होगा, क्योंकि वैनगंगा रिवर के ऊपर इस ब्रिज को बनाया जा रहा है और इसके पास में दोस्तों बहुत बड़ा डैम है जिसका नाम है गोसेखुर्द डैम। जितने भी ब्रिजेस दोस्तों इस तरीके के किसी डैम के आसपास में बनाए गए हैं, अधिकतर जगह पर देखा गया है कि जब भी डैम से पानी को छोड़ा जाता है तो बहुत सारे ऐसे ब्रिजेस हैं जो पानी से डूब जाते हैं और उसके ऊपर का जो ट्रैफिक है वो रोक दिया जाता है। बट यहाँ पे अंभोरा ब्रिज में आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे इस चीज का बखूबी ध्यान रखा गया है। गोसेखुर्द डैम की बात करें दोस्तों, तो इस डैम में टोटल 33 गेट्स हैं। इनफैक्ट अगर सभी गेट्स को ओपन भी कर दिया जाए तो भी पानी कभी भी ब्रिज को टच नहीं करने वाला है, क्योंकि दोस्तों गोसेखुर्द डैम की जो फुल रिजर्वायर की जो लिमिट है उससे लगभग 5.2 मीटर्स ऊपर रखा गया है इस ब्रिज को। और इस ब्रिज की दोस्तों जो हाइट है वो है 250.7 मीटर्स का। और गोसेखुर्द डैम में ऑन एन एवरेज जो पानी का लेवल रहता है वो 240 से 244 मीटर के आसपास रहता है। अगर पूरे गेट्स को भी खोल दिया जाए तो भी पानी 250 मीटर तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने वाली कंपनी है दोस्तों TNT इंफ्रा लिमिटेड, जो कि पुणे बेस्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी है,
और ये सारी जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन TNT कंपनी के ऑफिसर्स ने ही मीडिया के साथ शेयर की है और वहीं से इन्फॉर्मेशन ग्रैब करके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में था दोस्तों इतना ही। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ऐसे ही और कौन सा प्रोजेक्ट का आप अपडेट देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा आने वाले समय में उन सभी प्रोजेक्ट्स का अपडेट एक बेहतर वीडियो के साथ आपके सामने लेके आऊं। बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।